हमारे लिए अता फरमा दिया, इस्लामिया जितने कमजोर हो तो मसीह आपको अता फरमा दिया, बीमारियां हो तो अली आपको अता फरमा दिया, गरीब भूतियों को अता फरमा दिया, तरह तरह के बवाहत को अता फरमा दिया, फलों को भी अता फरमा दिया, और रोज मर्रा की जिंदगी के लिए अनाजों को भी अता फरमा दिया। अनाज से जिंदगी गुजरती रहेगी, कमजोर हो जाएगी बदन तो मक्सियात खाते रहिए, कमजोर हो जाएगी बदन तो फलों और फ्रूट को खाते रहिए, आपका जिस पे तवाना हो जाएगा, एहसान है रब कायनात का। मगर मैं अर्ज करना चाहूंगा, जहाँ परवरदिगार आलम ने जिसको की तवानाई के लिए मक्सियात बनाए है, जहाँ परवरदिगार आलम ने जिसको की जिंदगी और तकदीर के लिए रब कायनात बहदौला शरीफ ने अनाजों को पैदा किया है, जहाँ परवरदिगार आलम ने अदवियात को बीमारी के लिए पैदा करवाया, बीमार हो तो उसकी दवा भी परवरदिगार ने बना दी, यानी जब जितने बीमार हो तो उसके लिए दवा का वजूद है, लेकिन एहसान है परवरदिगार का, जहाँ रब ने जिस्मों की तवानाई के लिए इंतजाम करवाया है, वही अल्लाह की कुदरत है हमारी रूह को बेसहारा। इसलिए रूह भी बीमार होती है और जिस्म भी बीमार होता है, जितने बीमार हो तो उसके लिए मुफ्तदा अपनी याद है जड़ी बूटियां, जितने कमजोर हो तो फल फ्रूट है, रोज मरवा की जिंदगी के लिए अनाज है, दुनिया के तबीब और डॉक्टर है इलाजों के लिए, जब रू बीमार होगी इसलिए अल्लाह ने महबूबा ने खुदा को पैदा फरमाया, इसलिए जब जिस बीमार होगा तो आप रूहानी तबीब के यहाँ जाएंगे, रूहानी हकीम के यहाँ जाएंगे, अगर आपकी रूह बीमार है तो ऐसे वक्त में आज जरूरत है, रूह की बीमारी का इलाज कहाँ होगा, तो गुलजार मकौली शरीफ की बारगाह है, मकौली शरीफ का दरबार है, जो आज आपके यहाँ कौन अप्रोग होंगे और जलवादार होंगे, जिनके चेहरे की ज्यारत करेंगे, जिनके चेहरे की ज्यारत करके आप इबादत का सवाब पाएंगे, वो औलादे नबी है, गुलजार मिल्लत है, गुले गुलजार शरीयत है, वो कौन है, रहबरे राहे हमारी रू बीमार हो तो आपकी बारगाह में करेंगे और तौबा करेंगे, तौबा कबूल होगा अल्लाह के रसूल के सदके में और परवरदिगार आलम के महबूब के तवस्सुल से तौबा कबूल हो जाएगा, फिर तुम्हारा दिल हर सरकार गुलजारे मिल्लत के हाथों पर रखने के बाद उनके सामने तौबा करने के बाद दिल दिल बन जाएगा कल्ब कल्ब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने रूहों की तारीकी के लिए हमको बेसहारा नहीं छोड़ा, चुनान दे सैयद नादम अली सलाम को तस्लीम के नहीं कर हते ईसा अली सलाम तक अल्लाह के अंबिया मुर्तदी नबी सलाम जल वतन होते रहे, जब जब रूह तड़पी है तो अल्लाह का नबी, जब एहसास मुर्दा हुए तो अल्लाह का नबी आया, जब मजलूमों की आहों ने बाबे जावत इलाही को खटखटाया तो अल्लाह का नबी आया, जब एहसास मुर्दा हो गए एहसास को जिंदगी देने के लिए शऊर की पाली दी थी, रूह को ताकत देने के लिए, रूहों की बीमारी का इलाज करने के लिए पैगंबराने महबूबा ने खुदा आते रहे, सैयदना आदम अली सलाम तस्लीम से लेकर सैयदना ईसा अली सलाम तस्लीम तक नबी ही आते रहे, रसूली आते रहे, रूह जब तड़पती रही तो अल्लाह का महबूब आता रहा, रूह की ताजगी होती रही, रूहों को पानी की मिलती रही, शऊर मिलता रहा, अजीदाने मिल्लत इस्लामिया और सैयदना आदम अली सलाम तस्लीम से लेकर ईसा अली सलाम तस्लीम तक यही होता रहा, लेकिन सैयदना ईसा अली सलाम को तस्लीम के आप नाम बताए जाने के बाद 75 साल का जमाना एक ऐसा जमाना गुजरता है जिसमें अल्लाह का कोई नबी नहीं, अल्लाह का कोई रसूल नहीं, कोई हादी नहीं, कोई पैगंबर नहीं, कोई पैगंबर नहीं, कोई आफ्ताब महताब नहीं, हिदायत का लुत्फ है हिदायत का, कोई आफ्ताब नहीं है, कोई महताब नहीं है, कोई भी नहीं है दाए सिखाने वाला, कोई नहीं है रास्ते मुस्तकीम बताने वाला, तालीम के बेस से भी अंधे मच रहा है, दौरो दफा की आज्ञा चल रही है, दुल्म तशद्दुद की आवाज उठ रही है, तागुत की ताकत है, अपने सामने कमजोरों को सजदा करा
आई है, ऐसा वक्त गुजरता रहा। लेकिन याद रखना, एक वक्त वो आता है नवेदे मत्याई जिसे हम कहते हैं, जिसे हम सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ कहते हैं, दुआई इब्राहिमी। नवेदे मत्याई का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, दुआई इब्राहिम का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सैयदना ईसा अलैहि सलाम ने दुआ की थी, बचा रखती थी, मेरे बाद एक रसूल जलवा अगर होगा वो बस चलते रसूली जाके भी बाद एक दुआ पर मेरे बाद रसूल आएगा, जिस कहते पाप अहमद होगा। सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दुआ की, मौला हमने एक रसूल अता फरमा। चुनान के दुआए इब्राहिमी और नवेदे मत्याई के नुबूले इजराल का वक्त आ गया। रुद्र हिदायत का काम अंजाम दिया, लेकिन जब आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदा फरमाया मेरे नबी के विसाल के बाद जालिमों ने आवाज उठाई, काफिरों के कुफ्र ने आवाज उठाई, अब तो इस्लाम माज़ल्ला मदीना और मक्का मुनव्वरा की सरहद तक महदूद रह जाएगा। तो याद रखना, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। मुस्तफा जाने रहमत नबूवत की आखिरी कड़ी बनकर आए हैं और खातमुन नबीन बनकर आए। कुरान ने कहा मेरा महबूब खातमुन नबीन है, मुस्तफा ने कहा ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। मेरा दीन चलता रहेगा, मेरा वसूल चलता रहेगा, मेरा कानून चलता रहेगा, नबी नहीं आएगा। लेकिन नबी नहीं आएगा मगर काम सदियत तक चलेगा। कैसे चलेगा? अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अल वल मासूल अंबिया, मेरी उम्मत के वल्ला अंबिया के वारिस होंगे, इसके सत्ते पे दीन चलता। अब कोई ये उलमा की तौहीन करे उसकी जबान बदकवानी है। उलमा की तारीफ तो मेरे नबी ने फरमाई है, उलमा की तारीफ तो कुरान कर रहा है। इन्नमा सल्लाव इन्नमादी उलमा, ये उलमा है। अगर किसी को कुछ पैसों की चर्च जम गई है वलमा की तौहीन करता है तो खुल ले, अरे वलमा है। जमीन के सूरा पर में रहने वाली चूतिया क्या है, ये वलमा है। दीवारों के सूरा पर में रहने वाली चूतिया जो है वह करती है, ये वलमा है। अगर कोई दुनियादार अपने चावल के नशे में हमको वलमा को खराब निगाह से देखता है, उसकी खराब निगाह है, वो याद रखना ये वलमा है। जिनके लिए समुंदरों की मछलियां भी मकबरत की दुआ, वलमा है। मेरे नबी ने फरमाया अलमाओ कलंबिया है हदीस लाई, मेरी उम्मत के वलमा अंबिया है हदीस लाई, मगर मगर हम मोबाइल नहीं लान वीडियो बना, कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन काका ने कहा मेरा दीन चलता रहेगा। किनके सत्ते में? मेरे नायकों के सत्ते में, मेरे वर्ता के सत्ते में। चाहे होता रहा वक्त नहीं है, गालिबन मेरा वक्त पूरा हो गया। चाहे नहीं होता रहा वारिस अंबिया आते रहे, बादल अंबिया आते उनका बशर आए, सिद्दीक अकबर वकार फारूक के अस्मा उस्मानी वाहिदा मौलाए कायनात आए, करबल हमें चैलेंज हुआ, इमाम अली मुकाम जल बगल हुए, जादे शहादत थी का इस्लाम को तो वाला किया, बगदाद की सरसभी पर दीन मसीह को कमजोर किया जा रहा था। ऐसे वक्त में मेरे मीरा पीर तेरा शाहिदीना कौसर अबनानी कुछ रखवानी महबूब कुबानी करो कर कुरानी के दिले नूरानी शहीदाने जा मकानी चल बगल हुए और मोहम्मद को हुस्ती पर कराए और दीन को जिक्र के ता बर्बादी जिंदगी धरती पर चले हुआ वताए रसूल आए और जब बर्बाद करने चैलेंज किया इमाम रब्बानी में कर दिया था कभी
और अलमातर है शमसुल वलमा है इस तरह चैनल होता रहेगा और अलमाए हटाते रहेंगे आज भी चैनल हो रहा है हमारा गुजारे बिल्ला उस चैनल का जवाब देने के लिए काफी है वाकरों का वाला